prove that tan a plus sec a minus 1 upon tan a minus sec a plus 1 equal to 1 plus sin a upon cos a. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, LHS को लिख लेंगे, tan a plus sec a minus 1 upon tan a minus sec a plus 1. और इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 है इस 1 को हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ले लेंगे. इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करने में. tan a प्लस sec a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस इक्वल टू टेन ए प्लस सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए एंड सेक ए माइनस टेन ए. इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन. अब हम क्या करेंगे, इस टेन ए प्लस सेक ए इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों सेम है. तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस टेन ए, ये वाले पार्ट तो कॉमन हो गया. तो फर्स्ट पार्ट में वन बचेगा और सेकंड पार्ट में जो है वो माइनस सेक ए माइनस टेन ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन. अब हम उसमें ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लोज वन माइनस, ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस टेन ए अपॉन, और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको भी इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लो. तो पहले वन को लिख लेते हैं, फिर माइनस सेक ए प्लस टेन ए. अब क्या है कि इसमें ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, सो देयर इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए. बट अब इसको हम चेंज कर देते हैं दोनों को साइन कॉस में, तो ये होगा वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ चेंज नहीं होगा नोमिनेटर में, तो इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड.